से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेल चल रहा है, यहाँ पर वर्ड चल रहा है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने एक नया डिवाइस लेकर के, मैं इस डिवाइस को अमेजोन से मंगाया, अमेजोन पे ओपन बॉक्स डिलीवरी था इसलिए मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। फ्रेंड्स इस डिवाइस को आप लोग ग्रीन वीडीआई भी कर सकते हो, थिंक क्लाइंट भी कर सकते हो, इन कंप्यूटिंग भी कर सकते हो। एक डिवाइस है, इसके जरिए आप लोग का एक कंप्यूटर में सर्वर कंप्यूटर होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका एक कंप्यूटर में एक्सेल चल रहा है इस, और एक कंप्यूटर में वर्ड चलेगा, और एक कंप्यूटर में आप लोग फोटोशॉप भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इस बॉक्स को पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, थिंक क्लाइंट बॉक्स भेज चुका है उसके इस बॉक्स। फ्रेंड्स इस डिवाइस में एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, यहाँ पर एक पावर के बटन है, लैन पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, एक स्पीकर के पोर्ट है, एक माइक की पोर्ट है, और तीन यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पर दो यहाँ पर एक। देखता हूँ यहाँ इससे क्या होता, ठीक है ठीक है। और यहाँ से आप लोग स्क्रू लगा के मॉनिटर के पीछे में सेट कर सकते हो। हाँ मैं इसको सेट कर देता हूँ। चलाने के लिए एक एडाप्टर दे दिया है, तो दो स्क्रू भी मिल चुका है शायद यहाँ पर सेटअप करने के लिए। इस जो थिंक क्लाइंट का काम है, आपके पास एक पीसी होगा तो आप उस पीसी से 10 20 पीसी बना सकते हो। जो आपका पहला पीसी है उसका क्लोन सेकंड पीसी में आ जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ऐसे आप लोग बना सकते हो, ठीक है। जो कीबोर्ड का जो पोर्ट है पर मैं एक माउस सेट कर देता हूँ। माउस को सेट करने के बाद मॉनिटर का जो वीजीए केबल है, ये जो लैंड पोर्ट का दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस डिवाइस पे आप लोगों का कुछ काम नहीं है। उसके बाद जो लैन वाला एक्स्ट्रा पोर्ट है लैपटॉप के पास सर्व कर दो। देखिए यहाँ पर एक पोर्ट है, इस लाइन को ब्लैक होने का मतलब है आपका जो लैन पोर्ट है सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ये मेरा मेन कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से मैं इसको एक्सेस देने वाला हूँ। माउस मेरा लैपटॉप का है, और ये मेरा ए पीसी का है या थिंक लैन का है, ठीक है। मैं पावर दे चुका हूँ मेरा मॉनिटर के, देखिए मेरा ऑलरेडी प्री सेटेड है। इसको डिलीट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। सारे प्रोसेस मैं एक एक करके डिलीट करूंगा, अब फिर से सेटअप करेंगे। पहले मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मेरा ऑफिस वर्ड, यहाँ पर एक्सेल चल रहा है, यहाँ पर वर्ड चल रहा है, ये दूसरे वाला कीबोर्ड से चल रहा है, इस वाला कीबोर्ड से मैं जब टाइप करूंगा तब यहाँ पर टाइप होगा। चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थिंक लाइन को आपका पीसी में सेट करोगे, कैसे आप लोग आरटीपी आपका कंप्यूटर रिमोट डेस्कटॉप कैसे आप लोग आपका कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर में कन्वर्ट करोगे। चल मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों को जो स्टेप मैं शेयर करूंगा आप लोग एक स्टेप ना ज्यादा करना है ना स्टेप कम करना है। पहले आप लोग का जो पीसी है उस पीसी का जो एंटीवायरस है उसको आप लोग ऑफ कर दीजिए। सर्च पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च करना है, COM कंप्यूटर मैनेजमेंट टाइप कर ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर लोकल यूजर एंड ग्रुप पर क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग यूजर पर क्लिक करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करके न्यू यूजर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग एक यूजर या कंप्यूटर टू पीसी टू बल के टाइप कर दीजिए, फुल नेम भी पीसी टू। आप लोग यहाँ पर नाम लोअर केस में रखिएगा, अच्छा होता है। यहाँ पर आप लोग पासवर्ड टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ पर टाइप कर दू 1 2 3 4 एक दो तीन चार, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट ए नेक्स्ट लॉगिन, माने यूजर जब नया लॉगिन करेगा उसका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं, इसको आप लोग चाहो तो ऑफ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको रहने देता हूँ, क्रिएट कर देना, ठीक है। क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पीसी टू नाम के एक यूजर क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल पैनल है, सर्च करिए, कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद पीसी टू को सिलेक्ट करिए, चेंज अकाउंट टाइप इसको आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए, एड स्टैंडर्ड रहेगा आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। उसके बाद चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक कर दीजिए, ओके। कंट्रोल पैनल से पहले ओपन कर लीजिएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करिएगा। ये बताइए विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। पहले क्लिक करने के बाद ट्रान विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए फायरवॉल यहाँ पर ऑन है, आप लोगों को सिंपल इसको ऑफ, इसको भी ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना। देखिए फायरवॉल ऑफ हो चुकी है। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिस्टम के अंदर अलाउ रिमोट एक्सेस, यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मेरा अलाउ है, मैं क्योंकि मैं
ओपन कर चुका, ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। इसके बाद सिलेक्ट यूजर करके एड यूजर पर क्लिक करके आप सारे यहाँ पर एडवांस पर जाइए, फाइंड नाउ पर जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ से पीसी टू ठीक है आ चुकी है। ओके सिलेक्ट करके ओके जो थिंग लाइक ऑफिस सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको आप लोगों को चाहिए, मैं इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है देखिए यहाँ कर लेना, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप लोग यहाँ पर उसको ओपन करिए, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपली इंस्टॉल जो बैड फाइल है इंस्टॉल करना, पर राइट क्लिक करिए रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोगों को ध्यान देना है इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट चलेगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल क्विट एक की प्रेस कर दीजिए इसको स्किप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है जो 8 DB का जो कॉन्फिग है इसको आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो वर्ड भी इंस्टॉल है, सर्विस भी रनिंग है कि बट ए नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है। आप लोगों को सपोर्टेड ही रहना चाहिए आप लोगों का पीसी। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों को बैक आना है और यहाँ पर देखिए 2023 का जो इन वाला फाइल है उसको आप लोग सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फाइल को ओपन करिए, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने एक फाइल मिलेगा, इसको आप लोग सिंपली कॉपी करिए। उसके बाद आप लोग सी ड्राइव पर आइए, प्रोग्राम फाइल पर आइए, यहाँ पर आप लोग RDP वर्ड फोल्डर इसको ओपन करिए। सिंपली आप लोग यहाँ पर इस फाइल को पेस्ट कर दीजिए और रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। थोड़े देर इसको आप राइट क्लिक करके एडिट करिए, देखिए 2021 दिखा रहा है ना। क्लोज कर देता हूँ, सारे कुछ क्लोज करने के बाद ये जो फोल्ड फाइल है हम लोग जो RDP फाइल एक्सट्रैक्ट किया था इंस्टॉल किया था उसके बाद आप लोग कॉन्फिग पर क्लिक कर दीजिए। कॉन्फिग देखिए फ्रेंड्स फुल्ली सपोर्टेड दिखा रहा है। आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोगों को मैं इस फोल्डर सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग एक बार जो फाइल को ओपन करिएगा उसके बाद इन्हें फाइल को कॉपी करके आप लोगों का जो सी ड्राइव है, आप लोगों सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल उसके बाद यहाँ पर RDP जो फोल्डर है इसको यहाँ पर आप लोग सिंपली पेस्ट कर देना है आप लोगों को। ठीक है आपको जो फुल्ली सपोर्टेड दिखाएगा आप लोगों को यहाँ पर जो चेक वाला RDP चेक वाला फाइल है इसको क्लिक कर देना है, देन कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। हम लोगों का जो कंप्यूटर का नाम था PC2, उसके बाद पासवर्ड था 1234, देन एंटर। देखिए दिस यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड बिफोर, ओके देखिए फ्रेंड पासवर्ड रिसेट करने के लिए बोल रहा है, हम लोग पहले सिलेक्ट करके रखा था। ठीक है हम लोगों का जो RDP है सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बैक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जो RDP एक्सेलरेटर को इसको आप लोग को इंस्टॉल करना है। इसको जब आप लोग इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका जो थिंक लाइट काम नहीं करेगा। सिंपली आप लोग यहाँ पर क्लिक करूंगा नेक्स्ट इंस्टॉल। तो देखिए फ्रेंड सक्सेसफुली पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। ठीक है देन आप लोगों को देखिए आपका पीसी को रिबूट देना पड़ेगा, पीसी को रिस्टार्ट करना जरूरी है क्योंकि आपका जो ड्राइवर वगैरह काम सही से काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स रिबूट कर देता हूँ आप लोगों को, आप ध्यान देने की बात है। ठीक है फ्रेंड्स आप मैं जो IP का सेटिंग करने वाला हूँ आप लोग ध्यान दे करके देखिए। तो पहले कंट्रोल पैनल को आप लोग ओपन कर लीजिएगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करिएगा, देन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ पर इथरनेट। देखिए फ्रेंड्स नो नेटवर्क एक्सेस माने इंटरनेट नहीं है मेरा, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इथरनेट पर क्लिक करता हूँ। इथरनेट पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए IPv4 यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक होगा, ये भी यहाँ पर क्लिक होगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिए ठीक है और सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आएगा आ चुकी है, डिफॉल्ट गेटवे आप लोग देना है 1.1 ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए, ओके आप लोग देखिए मैं यहाँ पर IP क्या दिया हूं,
192.168 ठीक है 100 इसको याद रखिएगा 100 ओके डन सेव कर देता हूँ क्लोज कर देता हूँ ठीक है डन। आप मैं आता हूं मेरा जो सेकंड मॉनिटर है यहां पर आप मेरा काम है यहां पर देखिए फ्रेंड्स जबलॉक आप मैं यहां से मेरा एक सेटिंग्स है इसको डिलीट कर देता हूं आपके सामने डिलीट कर देता हूं यहां पर डिलीट बटन पर क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए डिलीट पर क्लिक कर देता हूं ओके ओके देखिए फ्रेंड्स आप मेरा कोई भी सेटिंग्स नहीं है आप लोगों को सिंपली क्या करना है आप लोगों को यहां पर सेटिंग्स पर आना है ओके पर क्लिक करना है नेटवर्क सेटिंग्स पर आना है और आप लोगों को मैं यहां पर क्लियर ही कर देता हूं आप लोगों के सामने नया एंटर करके दिखाता हूं फ्रेंड्स इसको आप लोगों को आईपी एड्रेस किया देना आपका जो मेन सर्वर पीस है ना फ्रेंड्स इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.100 या 100 ठीक है ये आपका मेन पीसी का क्लाइंट डिवाइस को नया आईपी देना है ठीक मैं नया आईपी एड्रेस दूंगा यहां पर 100 है तो यहां पर 101.2.3.4 मैं यहां पर टाइप कर सकता हूं 192.168.1.101 नेक्स्ट थिंग लाइन डिवाइस का आपका आईपी एड्रेस होगा 102 जितना डिवाइस आप लोग लोगे उतना आईपी एड्रेस एक एक करके बढ़ेगा ठीक है मेरे पास एक ही डिवाइस है इसलिए मैं 1 मेरा दूसरा डिवाइस होता मैं यहाँ कर आईपी देता 2 देता मेरा 3 नंबर डिवाइस है तो मैं 3 देता ठीक है यहाँ पर 101 देता हूँ उसके बाद यहाँ पर सबनेट मास्क आप लोग जो मेन पीसी में होगा ना आपका जो मेन पीसी है ना सबनेट आईपी एड्रेस को यहाँ से आप लोग एज इट इज कॉपी कर देना है 255.255.0 ओके उसके बाद राउट या डिफॉल्ट गेटवे इसको यहां पर एज इट टाइप कर देना 192.168.1.1 ओके उसके बाद यहां पर आप लोग सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए चाहो तो आप लोग डिस्प्ले से मैं यहां पर देखिए ब्लैक आ रहा है यहां से ब्लैक आ रहा है चाहे आप लोग यहां से डिस्प्ले को भी एडजस्ट कर सकते हो मैं शायद ऑटो पे रखता हूं या यहां पर रखूंगा ना शायद बूट लेगा ठीक है बैक कर देता हूं आप लोग सेट कर लीजिएगा आप लोगों को क्या करना है यहां पर ऐड मैनुअली पर क्लिक कर देना देन यहां पर जो आपका मेन सर्वर पीसी बॉक्स का यही फंडा है आप बंदा सॉल्व नहीं कर सकता ठीक है इसलिए इस डिवाइस को उसका बेकार करता है यहां पर जो आईपी एड्रेस देना है आपका मेन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देना है ठीक है 192.168.1.100 ओके इसको देने के बाद आप लोग ओके पर क्लिक करिए देन आप लोग यहां पर इसको सिलेक्ट करिए और आपका जो हम लोगों का जो पीसी का नाम था ना पीसी 2 था ना यहां से हम लोग काट करके पीसी 2 और पासवर्ड हम लोगों का क्या था 1234 फ्रेंड्स देन टाइप करने के बाद आप लोग लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का जो पीसी है ना वो आ चुकी है और हम लोगों को पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है ठीक है फ्रेंड्स हम लोग पासवर्ड चेंज कर देते हैं ओके पर क्लिक करिए पीसी 2 करंट हम लोगों का पासवर्ड है 1234 उसके बाद हम लोगों का जो न्यू पासवर्ड है 12345 कंफर्म पासवर्ड पे हम लोग दे देते हैं 12345 उसके बाद हम लोग यहां पर गो बटन पर क्लिक करके पासवर्ड हैज बीन चेंज ओके कर दिया पीसी वेट करिए थोड़ी देर में बूट ले लेगा देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का सेटअप का विंडो आ चुकी है यहाँ से मैं सिंपली लोकेशन को ऑफ कर देता हूँ मेरा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऑन कर सकते हो मेरा नाम मुझे नहीं चाहिए उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पीसी है यहाँ पर एक अलग पीसी है यहाँ से मैं कुछ भी ओपन कर सकती हूँ चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ पीसी 2 दिखा रहा है ओके करना है आप लोगों को यहाँ पर और इस लोगों को इसको नेक्स्ट कर देना है और मेरा जो मेन पीसी है कुछ काट देता हूँ यहाँ पर मैं और कुछ भी चला सकता हूँ मैं यहाँ पर पावर पॉइंट चलाता हूँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी मैं काम कर सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं इस कीबोर्ड से काम कर सकता हूँ ए वाला है इसके लिए और इसके लिए ए वाला माउस है मेरा ठीक है फ्रेंड्स इस IMDP को इंस्टॉलेशन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या इशू आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा और थिंक क्लाइंट को इंस्टॉल करने का जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप लोगों को लगेगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया जाएगा गूगल फॉर्म को फिल करिएगा आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा टाटा फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।